आप एक साल में बात करेंगे, इनको मना नहीं किया क्या बेटा, नंबर वन ठीक है, जो पेशेंट का इलाज हो रहा है वो चलेगा, ठीक है ठीक है, हमारी तरफ से कोई डर नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा सबको, सरकार ने मना कर दिया ऑक्सीजन नहीं देगी, ये हमारे लिए बोल रहा है डॉक्टर 12:30 बजे काम के साथ ना रिपोर्ट रिपीट अंदर से खाली करवाया जा रहा था, प्रशासन की तरफ से कोई आदेश जारी किए गए हैं? नहीं, हम प्रशासन ने कोई आदेश नहीं किया कि किसी हॉस्पिटल को खाली करना है, प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं। अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को जो है ना एक सर्टिफिकेट बना करके दिया गया है कि अगर ऑक्सीजन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई तो मौत निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, उस पर क्या? प्रशासन की तरफ से ना तो पहले ऑक्सीजन रोकी गई ना आगे फ्यूचर में रोकी जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रहेगी। तो हॉस्पिटल स्टाफ से किसी मेंबर का कहना है कि ये हमें आपके CMO द्वारा ऑर्डर है जो हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है, ये बोल रहे हैं कि हमारे डॉक्टर हमारे पास इतनी वो नहीं है, अगर आप शिफ्ट कर सकते हो तो हमने ये एसेस किया है इनकी रिक्वेस्ट से, हॉस्पिटल प्रशासन की रिक्वेस्ट से, जो पेशेंट स्टेबल हैं जो शिफ्ट किए जा सकते हैं हमने इनको लिस्ट दे दी, अगर आप कंसेंट लेके उनकी पेशेंट की कंसेंट लेकर अपनी बिलिंग वगैरह करके अगर ये चाहें तो जो हम जिनका हम ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल में कर सकते हैं प्रॉपरली उनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट पे हॉस्पिटल प्रशासन की रिक्वेस्ट पे। अस्पताल के डॉक्टर खुद कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी मरीजों का इलाज किया, उन्होंने खुद माना था कैमरे के सामने, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनी और क्या कार्रवाई? ये तो आप प्रशासन से पूछो, वहाँ पे DC रेजिडेंस पे हुआ था सारा, वो बता सकते हैं इसके बारे में। आज से कोविड जो वैक्सीनेशन है 18 साल से ऊपर के उनके लिए लागू की गई है, तो क्या वो वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है कुरुक्षेत्र में? नहीं, अभी नहीं, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अवेलेबल वैक्सीन की स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक शॉर्टेज है, वो आज शाम तक आ जाएगी वैक्सीन, कल स्टार्ट हो जाएगी। अभी एक DC के मेल द्वारा एक ऑर्डर किए गए थे कि टोटल पेशेंट कितने हैं इस हॉस्पिटल के अंदर कोविड के, कि उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा जिस दिन ये हंगामा हुआ, तो उसमें से कितने पेशेंट अब तक शिफ्ट किए गए हैं? नहीं, शिफ्ट का तो ऐसा कोई नहीं बोला गया था, और सिर्फ इनके डिस्चार्ज हुए हैं, पहले 68 पेशेंट थे, अब इस टाइम 43 पेशेंट हैं इनके पास।